फूल पकड़ता जा रहा है कांवटिया अस्पताल प्रकरण। प्रकरण में कार्रवाई से नाराज रेजिडेंट्स का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच सभी अस्पतालों में हड़ताल चल रही है। कार्य बहिष्कार के चलते अस्पतालों में सेवाओं पर असर देखा जा रहा है। ओपीडी से लेकर आईपीडी में मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर रेजिडेंट्स का एक ही बयान आया है, पहले कार्रवाई हो वापस, इसके बाद ही कार्य बहिष्कार खत्म करने को लेकर कोई चर्चा होगी। और कांवटिया अस्पताल के बाहर प्रसव को लेकर के कार्रवाई की गई थी और फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया था और इसके बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित हैं और निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि करे कोई और भुगते कोई और, ऐसा रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं। बलि का बकरा किसी और को बनाया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों के मुताबिक उनका कहना है कि कुछ भी अगर लापरवाही होती है तो फिर ठीक रहा हम पर फोड़ा जाता है, लेकिन आप चूंकि देखिए ये प्रकरण जिससे अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक्शन लिया गया, लेकिन अब परेशान हुए हैं वो मरीज जिनकी इस पूरे प्रकरण में कहीं भी कोई गलती या लापरवाही या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं दूर दराज तक दिखाई नहीं देता। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं, क्या अब तक कोई वार्ता हो पाई और वार्ता में बात बनने के कितने आसार? विकास, देखिए रेजिडेंट्स की हड़ताल है उसको दो दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन था रेजिडेंट का हड़ताल का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। हालांकि जो हड़ताल है उसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिल रहा है, खासतौर पर एसएमएस अस्पताल में महिला जनाना अस्पताल के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहां पर सीनियर फैकल्टी है और जो मेडिकल फैकल्टी है, जो दूसरी ग्रुप टू की फैकल्टी है, उन्होंने मोर्चे संभाला हुआ है, सारी व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह का दबाव है उस दबाव को देखते हुए जो व्यवस्था है वो नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि रेजिडेंट्स को समझाइश का प्रयास किया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के स्तर पर ही अभी तक बातचीत चल रही है। हालांकि कोई सरकार के स्तर पर बातचीत शुरू नहीं हो पाई है और इस पूरे मामले में रेजिडेंट्स का रुख बिल्कुल सख्त है। उनका कहना यह है कि जब तक कार्रवाई समाप्त नहीं की जाएगी और उन रेजिडेंट्स को बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। जी बिल्कुल विकास, विकास ऐसे में क्या आलम दिखाई पड़ रहा है? जो अस्पताल है उसमें मरीज किस कदर परेशान हो रहे हैं, उस स्थिति से अवगत करवाना भी बेहद जरूरी है। विकास, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शेड्यूल सर्जरियां हैं अस्पताल की वो स्थगित कर दी गई है, साथ में जो नई सर्जरियां जो के लिए आ रहे हैं मरीज उनको भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। जो रूटीन पेशेंट है और जो रूटीन कामकाज है वही अस्पताल में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का दबाव एक साथ अस्पताल में बढ़ा है उसके बाद में शेड्यूल सर्जरियां करना पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बैकअप सपोर्ट की जरूरत है, रेजिडेंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वार्डों में जिम्मेदारियां तो रेजिडेंट्स संभालते हैं। ऐसे में अभी शेड्यूल सर्जरियां जो है उनसे एक ब्रेक सा लग गया है। ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। आपको अजमेर के जवाहर नेहरू अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की है। अस्पताल में इमरजेंसी के मुख्य द्वार पर इकट्ठे होकर अजमेर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नारेबाजी की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर लिया है, यह हड़ताल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक जयपुर में निलंबन के आदेश वापस नहीं लिए जाते। इधर मरीजों की परेशानी बढ़ गई। जयपुर में जो हमारे रेजिडेंट भाइयों के खिलाफ शर्मनाक घटना हुई, 5 रेजिडेंट भाइयों को बिना किसी दोष के उनको निलंबन कर दिया गया है, जबकि रेजिडेंट एक स्टूडेंट होता है, उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है किसी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने सारे जो भाई लोग हैं अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर्स के आज से स्ट्राइक पर रहेंगे। जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं होता है तब तक हम संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।